क्या कर रही हो? अरे बाल कटवा लिए। गंजा कर दिया? हाँ। बहुत छोटे कर दिया? नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हुआ आपका, चेकअप कराने गए थे तो? वो एक्चुअल कान का पेन लग रहा था, कान का दर्द लग रहा था। कान का नहीं है, दांत का दर्द है। डेंटिस्ट के पास होता हुआ आया। कितना बताया होगा सर? $12,000 तीन दांत के। इतने में तो फ्लाइट बुक करवा के बैक होम जाके पूरी बत्ती सी बदलवा के आ जाऊं। हाँ, बल्कि पूरी फैमिली की बत्ती सी बदल जावे इतने में। हाँ, बात तो सही। वहाँ रुपयों में होता है और यहाँ डॉलर्स में। $12,000 सोचते नहीं है लोग। हाँ, लेकिन जा नहीं सकते ना, बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ खत्म हुई, रॉन्ग टाइम पे आपका दांत का दर्द शुरू हुआ। मैंने सुना है मेक्सिको में आधे दाम में हो जाता है काम। है? हाँ। तो लेकिन मेक्सिको कौन जाएगा, वहाँ तो बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ तो कार्टेल है। वो तो कहते हैं कि भाई वो तो तुम्हारे दांत भी चोरी कर लेंगे अगर सोने का होगा तो। याद है एक मूवी में भी देखा था। हाँ, बातें बहुत सुनी है, गाड़ी छीन लेते हैं, इवन नाइकी के जूते भी किसी के ने उतार लिए थे। हाँ। मगर ऐसा तो हर जगह होता है ना दुनिया में, मगर अपन मैक्सिकन तो लगते हैं। ओला कोमो एस्टास, कोमो एस्टास, ऐसा बोलेंगे। तो क्या? नहीं नहीं, लेकिन शफी मुझे तो क्या, मैं क्या सजेस्ट कर रही हूँ पता है, यहाँ विंडो शॉपिंग करें और दूसरे डॉक्टर से पता करें। ये डॉक्टर चीपेस्ट है डॉक्टर, मुझे पता है, जिसने मुझे 12 बताया। नहीं नहीं शफी, लेकिन मैक्सिको नहीं, मैक्सिको नहीं, कुछ और फिगर आउट कर लें। मगर आधे पैसे में होता है। अच्छा, मैं ये ना मसाले भी निकाल रही हूँ। आप एक काम करें, दो चार डेंटिस्ट को यहाँ और कॉल करें। मम्मी बता रही थी कि एक वो लेडी डॉक्टर जो है ना, वो डेंटिस्ट, वो बहुत सस्ती है, वो पता करे जाए। शफी ट्राई कर, रूबी के किचन में बनाया अभी अभी। तुम तो मिर्चियाँ निकाल रही थी ना स्पाइस? नहीं, ये तो हो गई थी ना, डिश आउट भी हो गई, फ्रिज में रखा हुआ था ना। ओहो, क्या है ये? गुलाबी मस्तानी। क्या बात कर रहे हो? हाँ। मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया। अच्छा ले लिया, किससे लिया? मेक्सिको में ले लिया, बताता हूँ तुमको। देखो नो वे, पैनिक नहीं होना, एक मिनट बताता हूँ। लेकिन मैंने तो मना किया, मेक्सिको नहीं जाना है। होटल भी बुक करवा ली है, अभी तुम थोड़ा सा देखो, सफर करो। आर यू ह्यूमन? अच्छा बात सुनो, बात सुनो तो सही। अच्छा ये जो काली जो लाइन दिख रही है तुमको पूरी, ये मेक्सिको और यूएस की बॉर्डर है। तुमको दिख रही है ये लाइन है, ये स्ट्रीट्स है। और ये देखो डॉक्टर का आ गया ना अभी से, DDS डॉक्टर। ये क्या कहते हैं, ये रहा डेंटल क्लिनिक। यहाँ सारी 200 के करीब क्लिनिक्स है। ये जो है ना, ये यूएस की बॉर्डर है। ये यूएस से हम यहाँ से क्रॉस करते हुए मेक्सिको में जाएंगे। मेडिकल स्टोर, ये पिक्चर भी इसी का है। हाँ देखो मैं बताता हूँ तुमको, पिक्चर भी बताता हूँ। ये जो है ना, ये रहा, ये जो है लोग जाते ही होंगे ना यार, ऐसे थोड़ी बना है। और देखो यहाँ दुकानें भी हैं, तुम शॉपिंग भी कर सकती हो यहाँ। तो ये पूरी लाइन शॉपिंग की है इस जगह पे। हाँ। ये सही कह रहे हैं, अगर किडनैप नहीं हो गए तो। किडनैप अपन को कौन किडनैप करेगा, है ना? हाँ। ये रहे कपड़े भी है। हाँ। कितने घंटे की राइड है? 8 घंटे की। रियली? मगर ड्राइव करके जा रहे हैं ना। हाँ वो तो है, लेकिन रियली 8 घंटे? 8 घंटे के करिए तो बॉर्डर क्रॉस करके बेचारे 8 घंटे तक चल के आते थे। वो जो इलीगल मेक्सिकन आते हैं, 8 घंटे ड्राइव है, वो तो पैदल आते हैं बेचारे, वो रेगिस्तान और जंगल और ऐसी जगहों से चल के आते हैं धूप में, और बेचारे बहुत दुखी रहते हैं। तो पासपोर्ट तुम निकाल लो। तो कब जाना? अभी अभी निकलना है, वहाँ अपॉइंटमेंट का नहीं है, यहाँ जाओ। और अरे मैं तो शूट करते करते आई हूँ, मतलब अभी अभी जाना है। हाँ वहाँ मतलब लेंदी अपॉइंटमेंट। मैं समझे आपने अपॉइंटमेंट लिया है तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट यहाँ वाले एक एक महीना बाद देते हैं, वहाँ तो तुम बोलो तो बोला हाँ है। तो पैक करो बैग और अभी निकलो, क्यों वरना अभी नहीं निकले ना तो आधी रात को पहुंचेंगे, और आधी रात को मेक्सिको में पहुंचा नहीं जावे ना निकला जावे। कितना काम है मुझे नहीं पता, 2 दिन तो होंगे एटलीस्ट। तो आना तो स्कूल गई है, मैंने तो देखा भी नहीं है उसको सही तरह से। फेस टाइम पे देख लो, व्हाट्सएप पे देख लो। तो चलो मैं जल्दी से करती हूँ। सना यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव, क्या हुआ? हम लोग अभी इसी वक्त मेक्सिको जा रहे हैं डैडी का दांत फिक्स करवाने के लिए। अभी मेक्सिको? हाँ। क्यों? तो डैडी हेयर कट कराने के लिए गए, तो वो यार उनके कान में दर्द हो रहा था तो चेकअप कराने के लिए गए,
तो पता चला दांत का प्रॉब्लम आया और एस्टिमेट आया $12,000 का। ओह माय गॉड। तो हम लोग को वहाँ अभी डैडी ने बुक भी करवा दी, अपॉइंटमेंट भी ले लिया डेंटिस्ट का, और हम लोग जा रहे। कितनी देर में निकल रहे हो? बस बोला खाना खा के निकलो पैक करके, क्योंकि वरना रात को हो जाएगी वहाँ। ओह माय गॉड। तो कितनी ड्राइव है आप लोगों की? 8 घंटे की ड्राइव है, लेकिन वो कितना अनसेफ जगह है, मुझे तो डर भी लग रहा है। देख बेटा, हम लोग किडनैप हो जाएंगे तो तू अपना ख्याल रखना। ये हो जाते हैं वहाँ? नहीं नहीं, डैडी ने बोला जगह अच्छी है लेकिन वाकई में बहुत अनसेफ जगह है। एडवेंचर है इसका मतलब? एडवेंचर और थ्रिल एंड एक्साइटमेंट एंड एंग्जाइटी। तो सेफ सेफ जाना, सेफ सेफ आना, प्रॉब्लम सॉल्व करके आना। तो क्या तू तो चावल वावल हो गया ना? हाँ हो गया। ये क्या है? ये मैक्सिको जा रहा हूँ तो सारा बंदोबस्त कर रहा हूँ। ये नाइफ है। क्यों आप तो नाइफ चाहिए? कुछ गाजर मूली काटनी हो तो। ओ ये भी बहुत खतरनाक चीज है, देखा? ये फ्लैशलाइट है, और अगर फ्लैशलाइट बंद हो, ये करंट मारने का है 2000 वोल्ट। ये भी ले जा रहा हूँ मैं, क्या पता किस चीज की जरूरत पड़े, रखना चाहिए सब। इसको बोलते हैं बेटान, ओपन स्टिक। इससे पिटाई की जाती है, देख कितना हैवी है, देख कैसा है? हाँ। तो ये भी रखनी चाहिए गाड़ी में ताकि उसकी पिटाई को। तो ये भी ले जा रहा हूँ मैं। शफी आपकी 3 टी-शर्ट्स हो गई हो? ओके। और नाइट ड्रेस ले चुकी थी मैं। सानी दादी जान वो वॉर का सामान सब पैक कर रहे हैं। वॉर का सामान? हाँ। क्या मतलब? मतलब वो इलेक्ट्रिक था और मारने था और सच वो। हाँ हाय, तुम्हें पता है ना हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मेक्सिको। तो ये तो मुझे तो और थ्रिल लग रहा है, लेकिन देख मैं वापस नहीं आऊँगी तो टॉय नहीं लाऊंगी, मैं वापस आऊँगी तो ही टॉय लाऊंगी। क्या हुआ? ये बोल रही है क्या आप वॉर का सामान कलेक्ट कर रहे हैं? वॉर का, जंग का? क्या मतलब? आज अपनी मौत का सामान ले चले, दिल में बिठा के प्यार का तूफान ले चले। तुम मानते भी नहीं हो ना, मैंने कितना कहा था यहाँ ले ले। इसके बगैर अपन वापस नहीं आ सकेंगे। हाँ नहीं वो तो जरूरी, इसलिए ये पासपोर्ट नहीं भूलने का। मेरा टूथब्रश डाला था ना आपने? हाँ डाल दिया था। चाय के कप और पत्ती बगैर नहीं जाते कहीं भी, खुद की पत्ती और खुद के कप। चलो आई गेस हो गया है शफी सब। कुछ रिफ्रेशमेंट ले लेना थोड़ा सा। हाँ, हाँ। रास्ते भर में तुझे फिकर ही ना करो, रास्ते भर में चार वो ब्रोकन प्याज के पकौड़े जो बनाए थे ना वो फ्रिज में पड़े हुए, आपका तो जैकपॉट निकल आया है, मैं ले लूंगी। मुझे पकौड़े बहुत पसंद। चलो हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, और मेरे व्यूवर्स भी चले। अरे आपने सनग्लासेस लिए? सनग्लासेस ये दो दो रीडिंग ग्लासेस क्यों लिए? एक है कंप्यूटर चलाने का और एक है गाड़ी चलाने का। और एक मुझे देखने का भी होगा। पुलिस जैसी। तू कैसे आ गई भाई? तू कैसे आ गई? मम्मा जल्दी लेके आ गई, बोल। मम्मा जल्दी लेके आ गई, इतल में मजा आया। ये तुमको फ्रंट में रखना है। चलो भाई ख्याल रखना, ओके? बारिश आना शुरू हो गई है। बाय बाय। बारिश कैसे शुरू हो गई ना? कैन यू बिलीव?